मैं आगे बढ़ रही हूँ। बिहार के चुनाव मैदान में तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है, जिसको लेकर राजनीति गर्म है। दरअसल ये बयान तेजस्वी यादव ने कल दिया, पूर्णिया में दिया, वही पूर्णिया जहां पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, जब से चुनावी मैदान में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव की एंट्री हो गई है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव कह रहे हैं, अगर इंडिया के उम्मीदवार को, इंडिया का उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से बीमा भारती है यहां पूर्णिया से, तो वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया के उम्मीदवार को आप नहीं जिताना चाहते तो एनडीए को जिता दीजिए। पप्पू यादव के लिए कह रहे हैं तेजस्वी यादव, एनडीए के लिए वो वोट मांग रहे हैं, तय किया जाए कि आखिरकार ये विचारधारा की लड़ाई है तो लोग इस विचारधारा की लड़ाई में या तो इंडिया या फिर एनडीए, किसी एक विचारधारा को चुने। सुनिए, दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो भीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। अब यहां बोल रहे हैं एनडीए को जिता दो, आगे जाके क्या बोलेंगे? तो एनडीए वाले तो ट्वीट कर दिया है, बधाई तेजस्वी जी साथ देने के लिए। जदयू वाले ने तो ट्वीट कर दिया, सब ने ट्वीट कर दिया। अब आप और जगह क्या बोलेंगे? वो तो इनके वीडियो को बोलेंगे कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए को जिताने के लिए कहा है। तो अब तो बिहार में कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अभी भी आप क्या करेंगे। रेस्ट चुनो में कांग्रेस यदि अभी भी नहीं सोचती है, तो मैं तो भैया बहुत क्लियर हूँ कि पूर्णिया का जनता बिना जाति धर्म मजहब से सब कुछ से ऊपर उठ चुकी है, और ये लड़ाई अब पूर्णिया के मान सम्मान की हो गई, उसके जीवन मौत से जुड़ गया है मेरी लड़ाई। उधर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग अब हार मान चुके हैं, एनडीए बिहार में सभी 40 सीट जीतेगी। ये पूरी तरह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये लड़ाई कहीं है ही नहीं। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और महागठबंधन के लोग तो अब हार भी मान चुके हैं। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार पटना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, मामला तेजस्वी यादव वर्सेस पप्पू यादव का, और इसमें मौका जो है वो सबको मिल गया है राजनीति करने का। देखिए रोमाना, तेजस्वी यादव ने जो ये बयान दिया है वो सोच समझकर और रणनीति के तहत दिया है। ये वो देख रहे थे वहाँ कि पप्पू यादव को कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, क्योंकि इसके पहले जब राहुल गांधी को कहा गया था कि एक प्रोग्राम अगर आप पूर्णिया में रख देंगे तो इससे काफ़ी असर पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी पूर्णिया नहीं गए। तो ऐसे में अब सामने आना पड़ा है आरजेडी के सबसे बड़े नेता, स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव को, और ये कहना पड़ा है कि पप्पू यादव को वोट किसी भी सूरत में ना दे, भले ही वो एनडीए के उनके समर्थक चले जाएं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, प्रकाश, हमने सुना तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे थे कि या तो आप महागठबंधन को चुनिए या फिर आपका वोट जो है, इसका मतलब अगर आप इंडिया को वोट नहीं दे रहे तो आप एनडीए को वोट दे रहे हैं।